हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टार्टेड सेशन नंबर 10, द लास्ट सेशन ऑफ द चैप्टर 5, सेल्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ इन दिस सेशन वी आर डिस्कस अबाउट टू सेल ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियस। सो फर्स्ट वन इज अ लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स ओनली प्रेजेंट in animal cell. Now, except mammalian red RBC. So lysosome किस में present रहता है? Only present in animal cell except mammalian RBCs. Now human cell contain about 300 lysosomes in the cell. So lysosomes आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गोल्गी apparatus. लाइसोसोम किससे ओरिजिनेटेड हुआ है? गोल्गी apparatus. सो इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज। आई विल शो द स्ट्रक्चर। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज। आपको जो गोल सर्कल दिख रहा है, दिस आर द लाइसोसोम। दिस आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज, राउंड और इलिप्टिकल और हाईली इरेगुलर इन शेप। सो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है? व्हाट इज लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल एक्सेप्ट मैमिलियन आरबीसी। सो नाउ लाइसोसोम इन ह्यूमन सेल देर अबाउट 300 लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। नाउ द लाइसोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज। दे आर राउंडेड, इलिप्टिकल और इरेगुलर इन शेप। The lysosomes, the term was used by Dewey in 1955. D-U-V-E, Dewey in 1955. तो 1955 में Dewey used the term lysosomes. So lysosomes is also called as a suicide bag. लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुसाइड बैग। वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइसोसोम्स, व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल एक्सेप्ट मैमिलियन आरबीसी। मैमिलियन आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं रहता। सो लाइसोसोम्स इन ह्यूमन सेल देर आर 300 लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। द शेप कैसा है उसका? देर आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज, राउंडेड, elliptical or irregular in shape. They are also called as a suicide bag. They are originated from the Golgi apparatus. Kisse originated hue? Golgi apparatus. So now this lysosomes is called as a suicide bag because it contain hydrolytic enzyme. It contain hydrolytic enzyme. So this hydrolytic enzyme help to digest number of cell. The process is called as a autophagy or autolysis. तो ये extra जो cell organelles बनते हैं cell में, उसको भी ये digest करता है। It also remove the cell debris. तो इसको बोलते autophagy. Autophagy means खुद के cell का सफाया करना, साफ सफाई करना। सो ये फैगोसाइट को भी रिमूव करता है। फैगोसाइट मीन्स कोई फॉरेन पार्टिकल सेल में गया होगा। इट ऑल्सो रिमूव बाय द लाइसोसोम्स। और एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स जो है सेल में, एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स, उसको भी रिमूव करने का ये काम करता है। तो दिस आर कॉल्ड एज अ ऑटोफैगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ऑटोफैगी। सो नाउ the excess cell organelles removed by this lysosomes, the process is called as autophagy. It also remove the dead cell. Hence they are called as a suicidal bag, क्योंकि ये सब cell debris, foreign cell को remove करने का काम करता है। So these are the lysosomes. The main lysosome contain acid like phosphatase, sulfatase, proteases, न्यूक्लियसेस, लाइपेज, ग्लाइकोसाइडेज। इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट हैं।
यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, प्रोटीओजेज, न्यूक्लियोजेज, लाइपेज एंड ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइडेज। सो दीज आर द लाइजोसोम। सो व्हाट इज लाइजोसोम? लाइजोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैमिलियन आरबीसी। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज राउंडेड इलिप्टिकल शेप हाईली इरेगुलर इन शेप। द टर्म लाइजोसोम्स वॉज कॉइन बाय डी डवे इन 1955। ओके, नाउ लाइजोसोम्स इज कॉल्ड एज अ सुसाइड बैग बिकॉज इट कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हेल्प टू डाइजेस्ट द एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स। दे आर कॉल्ड एज अ ऑटोफेगी। ऑटोफेगी मीन्स खुद के सेल का एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। इट ऑल्सो रिमूव द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स द फॉरिन बॉडीज। इट ऑल्सो रिमूव क्या करता है? फॉरेन बॉडी को क्या करता है? इनगल्फ करता है, खुद में समा लेता है एंड डिस्ट्रॉय। क्या करता है? डिस्ट्रॉय। दिस आर कॉल्ड एज अ फैगोसाइटोसिस एंड रिमूव द सेल डेब्रिज। डेड सेल को भी ये क्या करने का रिमूव करने का काम करता है। सो दीज आर द लाइजोसोम स्ट्रक्चर। लाइजोसोम के फंक्शन थोड़े से देखिए, वही फंक्शन है। सो इट डाइजेस्ट मेनी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। इट डाइजेस्ट सेवरल काइंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट करता है। इट कैन डाइजेस्ट फूड मॉलिक्यूल दैट एंटर इनटू द सेल इनटू द स्मॉल पीसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस वेसिकल्स। तो ये छोटे छोटे फूड मटेरियल को भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। दे ऑल्सो परफॉर्म द ऑटोफेगी। ऑटोफेगी आपको मैंने बताया था कि खुद के सेल के जो सेल ऑर्गेनिक्स एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनिक्स रहते हैं उनको रिमूव करने का काम कौन करता है? लाइजोसोम्स। दियर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ऑटोफेगी। ऑटो मीन्स खुद का, फेगी मीन्स रिमूव। ओके, नाउ इट ऑल्सो रिमूव द फॉरेन सेल। फॉरेन सेल को क्या करता है? हार्मफुल सेल को डाइजेस्ट करता है एंड रिमूव। सो इट ऑल्सो रिमूव द डेड सेल। तो ये लाइजोसोम का मेन काम क्या है? स्कैवेंजर। ये बॉडी सेल को क्लीन करने का काम करता है, एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनिक्स से लेके फॉरेन बॉडी को लेके, एक्स्ट्रा फूड मटेरियल से लेके डेड सेल के, डेड सेल से लेके सबको क्या करता है? रिमूव करता है। सो इट इज एक्ट एज अ स्कैवेंजर, सफाई सफाई का काम करता है। सो दीज आर द लाइजोसोम सेल ऑर्गेनिक्स। आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दीज आर लाइजोसोम, पूरा सेल है। ये पूरा सेल जो दिख रहा है रेड कलर, दीज आर नॉट लाइजोसोम्स। उसमें जो गोल दिख रहा है दीज आर द लाइजोसोम। और लाइजोसोम में क्या प्रेजेंट रहता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम के आपके नाम बने हुए, फॉस्फेटेज से लेके सल्फेटेज से लेके ग्लाइकोसाइडेज से लेके बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम दे रिमूव ऑल दिस सेल ऑर्गेनिक्स एक्स्ट्रा सेल मटेरियल। Hence the lysosome is called as a suicide bag. Now the next structure is a nucleus. So nucleus, well defined nucleus only present in the eukaryotic plant and animal cell. So nucleus jo hai, nucleus plant or animal cell, eukaryotic ke plant or animal cell mein hi paya jata hai. So रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। तो सेल में जो फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। सो नाउ न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है? जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है बट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियॉइड्स, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं था। बट नाउ इन यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, उसमें क्रोमोसोम क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हर एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट रहती है? क्रोमोसोम। नाउ यूजुअली सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। यूजुअली किसी भी यूकैरियोटिक में सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट रहता है। So now
इन एनिमल इट इज लोकेटेड इन द सेंटर, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, वाइल इन प्लांट इट इज जस्ट प्रेजेंट नियर द पेरीफेरी, प्लांट में पेरीफेरी में प्रेजेंट है, प्लांट हैविंग अ वैक्यूल्स, प्लांट में क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल्स, वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा पेरीफेरी में प्रेजेंट है. सो द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज अ स्पेरिकल, मोस्टली शेप कैसा रहता है, स्पेरिकल, ओवेड भी रहता है और इलोंगेटेड, समटाइम डिश शेप. इन WBC इट इज अ बायलोब और मल्टीलोब, WBC में बायलोब रहता है या मल्टीलोब रहता है. सो शेप इज ऑल्सो वेरीज, तो हम लोग शेप अब कभी भी सर्कुलर निकालते हैं, बट मोस्ट ऑफ द दे आर स्पेरिकल, समटाइम ओवेड, इलोंगेटेड, डिश शेप, बायलोब और मल्टीलोब इन WBC. तो शेप्स आर ऑल्सो वेरीज. सो ना हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे न्यूक्लियस का. द इंटरफेस न्यूक्लियस, अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, दीज आर द इंटरफेस न्यूक्लियस. द इंटरफेस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इनवलप, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, बीच में आपको जो दिख रहा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म. सो ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंटरफेस न्यूक्लियस. इंटरफेस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, आपको डार्क कलर का दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियोलस, एंड क्रोमेटिड नेटवर्क, जो थ्रेड लाइक दिख रहा है, दीज आर द क्रोमेटिड नेटवर्क. सो नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सराउंड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो बाउंडेड लेयर्स है, ओके. एंड नाउ आउटर मेम्ब्रेन कम्युनिकेट किसके साथ किया है, कम्युनिकेट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आउटर मेम्ब्रेन कम्युनिकेटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब डायग्राम में जिस तरह से देख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवलप कम्युनिकेटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट सेवरल पॉइंट, वाइल इनर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विद द इनर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म. तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियर इनवॉल्व हैविंग टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर. आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज़ कम्युनिकेटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट सेवरल पॉइंट्स. सेवरल पॉइंट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो कम्युनिकेट करता है. सो इन बिटवीन द न्यूक्लियर इनवॉल्व द स्पेस इज प्रेजेंट, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर पोर. उसको क्या बोलते हम लोग, न्यूक्लियर पोर. सो न्यूक्लियर इनवॉल्व परफोरेटेड बाय द मेनी अपर्चर, तो न्यूक्लियर इनवलप परफोरेटेड बाय द मेनी अपर्चर इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर पोर. नाउ नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म. सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ ट्रांसपरेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा है, ट्रांसपरम, सेमी सॉलिड, ग्रैनुलर, स्लाइटली एसिडोफिलिक. कैसा है, स्लाइटली एसिडोफिलिक. तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज अ ट्रांसपरेंट, सेमी सॉलिड, ट्रांसपरेंट भी है, सेमी सॉलिड भी है, ग्रैनुलर है, एंड स्लाइटली एसिडोफिलिक. स्लाइटली कैसे है, एसिडिक नेचर, तो उसको एसिडोफिलिक बोलेंगे, ओके. सो नाउ दिस न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन नंबर ऑफ क्रोमेटिड मटेरियल, इसमें क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल. सो नाउ दिस क्रोमेटिन मटेरियल लेटर ऑन इट फॉर्म्स अ क्रोमोसोम. नेक्स्ट वॉज अ न्यूक्लियोसोम, हम लोग क्या इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फोंटा, फोंटाना, किसने डिस्कवर किया था, फोंटाना. इट इज़ अ स्पेरिकल, एसिडोफिलिक एंड सिचुएटेड विद इन द न्यूक्लियस. तो ये भी स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, एसिडोफिलिक है एंड सिचुएटेड विद द न्यूक्लियस, ओके. नाउ दिस न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज होमोजीनस टू द होमोजीनस एंड कंटेन स्कैटर ग्रैनुला एंड फाइब्रिल्स. तो इसमें न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, इट कंटेन ग्रैनुलर्स and scatter granules present in this and fibrils. Now next one is a chromatid material. Chromatid material contain, it is thread-like structure in interface. हम लोग interface की बात कर रहे थे, it is a thread-like structure coil, much elongated structure called as a chromatid. So chromatid material is a genetic material consist of DNA. Chromatid में क्या present रहता है, it contain DNA and this DNA associated with the nuclear protein that is histone and non-histone to form एंड आर एन ए टू फॉर्म अ क्रोमोजोम स्ट्रक्चर. बाद में ये न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएट हो जाता है डीएनए टू फॉर्म अ क्रोमोजोम. तो हम लोगों ने
न्यूक्लियस का फास्ट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर देखा, व्हाट इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम कॉइन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। सो न्यूक्लियस इन एनिमल इट इज लोकेटेड इन द सेंटर, वाइल इन प्लांट इट इज लोकेटेड इन द पेरिफेरल। उसका शेप कैसा है? स्पेरिकल है, ओवेड है, इलोंगेटेड है, डिस्क शेप भी है, बायलोब है और मल्टीलोब भी है WBC में। साइज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सेल, साइज भी डिपेंड है वॉल्यूम ऑफ द सेल। नाउ द टिपिकल इंटरफेस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिड्स। सो न्यूक्लियर इनवलप हैविंग टू लेयर, आउटर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर इज कम्युनिकेटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट सम पॉइंट, ओके। देन न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट, इट इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर इनवलप। नेक्स्ट वन इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन नंबर ऑफ क्रोमैटिड नेटवर्क्स। क्रोमैटिड नेटवर्क्स इज अ थ्रेड लाइक कॉइल स्ट्रक्चर कंटेन विद द DNA मॉलिक्यूल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज अ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। सो नाउ न्यूक्लियस इज अ होमोलोगस एंड इट कंटेन्स स्कैटर ग्रैनुला एंड फाइब्रिल्स। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं इजीली ये स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस वही स्ट्रक्चर है, ओके। सो मेन फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन एंड हेल्प इन अ रिप्लिकेशन ऑफ DNA। सो ये क्या करता है? जीन एक्सप्रेशन एंड हेल्प इन अ DNA रिप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल साइकिल। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ओके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू, टेक केयर।